एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और नगर निगम में सफाई कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। आखिर कारण क्या है जानने का भी प्रयास जरूर करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में शहरी सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य यहां पर मौजूद हैं और कुछ महिलाएं भी यहां पर इस समय उपस्थित हैं और भारी संख्या में यहां पर सफाई कर्मचारी मौजूद हैं। एक बार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को जान लेते हैं कि आज आखिर प्रदर्शन करने पर क्यों बेबस हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश है जी, सीतू उप प्रधान और यूनियन सचिव। आज जो नगर निगम में प्रदर्शन लेके आए हैं ठेका सफाई कर्मचारी, यहाँ पे बहुत बड़ी लूट मचाई हुई है। ठेकेदार और अधिकारियों ने मिलकर प्रत्येक कर्मचारी के जैसे बीमार हो जाता है कर्मचारी और उसके 500 रुपए दिहाड़ी है, लेकिन यहाँ पे 1000 रुपए काटे जा रहे हैं और 3 महीने हो चुके हैं। बार बार हम यही कह रहे हैं कि कर्मचारियों के जो 500 रुपए दिहाड़ी बनती वही काटी जाए, 1000 रुपए ना काटे जाए। इनके वेतन से बेवजह कटौती की जा रही है, उन कटौतियों पर रोक लगाई जाए। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं कि 1000 रुपए जो एक हाजिरी के गैर हाजिरी कटते हैं वो कहीं भी पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं है, इसको सही किया जाए और कर्मचारियों का पैसा काटना बंद किया जाए। कर्मचारियों की सैलरी से पैसा नहीं काटने की डिमांड जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारी कर रहे हैं और पीछे भी काफी महीनों पहले भी इन्होंने अपनी इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था कि सफाई कर्मचारियों की सैलरी से पैसा नहीं काटा जाए। एक महिला सफाई कर्मचारी और है, एक बार उनसे भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा जी नाम सुनीता है जी। सर, सफाई कर्मचारी हम 3 महीने हो गए लगातार आए हुए हैं, कोई समाधान नहीं होता है। ये लूट मच रही है, 1-1000 रुपए काट लेते हैं, 1-1000 के 500 रुपए दिहाड़ी हमारी, और इतनी लूट मचा रही, कोई ठेकेदार सुनाई नहीं कर रहा, कोई अफसर सुनाई नहीं कर रहा, कति गुंडागर्दी माच रही। 6 साल हो गए हमारे को यहाँ दर दर ठोकरे खाते, नहीं राशन पानी है, कोई भी सुनाई नहीं हो रहा। ठेकेदार मिली सभी मिलकर बांटकर खा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से महिला सफाई कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया है कि अधिकारी और ठेकेदार मिलकर यह सब कर्म कर रहे हैं, जिससे वह बेहद दुखी और परेशान है। यहाँ पर एक कर्मचारी और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? आनंद शर्मा। आज पूरे सोनीपत जिले के शहर में ठेका सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर को ज्ञापन दिया है और बातचीत भी की है। लंबे समय से गैर कानूनी तरीके से ठेकेदार इनके वेतन से 1000 रुपए पर डे के हिसाब से काट रहा है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार, शहर को साफ सुथरा स्वच्छता अभियान को चलाने वाले, जनता को बीमारियों से बचाने वाले कर्मचारियों के वेतनों से कटौती की जा रही है। और इसी बात को लेके हम आए थे कि दिवाली है, दिवाली से पहले जो वेतन भी दिया जाए और जो कटौतियां हैं वो भी बहाल की जाए। वेतन पर उन्होंने कहा कि अभी कागज निकाल रहे हैं, आज या कल में ही पेमेंट इनकी कर देंगे। और उस पर उन्होंने कमेटी बनाई है, हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। जिन जिन की गैर कानूनी कटौती हुई कर्मचारियों की, उनकी लिस्ट बना के और बैंक की स्टेटमेंट साथ लगा के हमने दी है। उस पर एक कमेटी बनी है और जांच करके ये आश्वासन दिया है कि जो कटौतियां हैं वो तमाम कर्मचारियों को दी जाएगी और आगे से ये कटौतियां बंद होंगी। और हमारा भी ये कहना, प्रदर्शन धरना करके खुश नहीं है, बार बार हमें आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। और 2018 में समझौता हुआ था सरकार से कि भाई ठेका प्रथा खत्म करके सब रोल पे लिए थे, वो फाइल भी चली हुई है, अभी तक इनको रोल पे भी नहीं लिया गया है। और इन्होंने पिछले महीने जब हड़ताल हुई थी तो समझौता यहाँ भी हुआ था कि ऑफिस में ईएसआई के अधिकारियों को बुला के जिनके ईएसआई के कार्ड नहीं बने हैं तमाम कर्मचारियों के यहीं कार्ड बनाए जाएंगे, और जिनके पीएफ की जांच यहाँ ऑफिस में पीएफ अधिकारियों को बुला के पीएफ की भी जांच कराई जाएगी, और जिनका यूनिकोड नहीं मिल रहा है उनको यूनिकोड नंबर भी जारी किए जाएंगे। लेकिन समझौते कर लेते हैं, व्यवहार में लागू नहीं कर रहे। और सफाई कर्मचारियों का भारी शोषण यहाँ पे किया जा रहा है। जिस तरह से बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों का शोषण जो है यहाँ पर किया जा रहा है,
अब हम आपको नगर निगम के कमिश्नर भी आखिर क्या कहते हैं यह भी जरूर सुनवा देते हैं। कमिश्नर साहब, जिस तरह से आज सफाई कर्मचारी जो है आपसे मुलाकात हुई है और प्रदर्शन भी कर रहे, क्या समाधान निकला? उनकी कुछ मांगे थी, उन पर कार्रवाई चल रही है। क्या मांगे रखी गई थी? उनकी कुछ सैलरी के इश्यूज थे, वो हम रिजोल्व करेंगे। तो समाधान कब तक हो पाएगा? जैसे जल्दी जितना जल्दी हो। ये पिछली बार भी ऐसे ही अपनी मांगों को वो रहता है, हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, और हमारी कोशिश रहती है कि उनके सारे इश्यूज समाधान। वो ड्रेस वगैरह देने का भी पिछली बार सारी चीजें दी जा रही है, सारी चीजों पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है। जिस तरह से अभी आपने नगर निगम के कमिश्नर को सुना, सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान जो है वो एक बार सरकार प्रशासन को निकाल लेना चाहिए ताकि इनकी भी समस्या दीपावली से पहले निपट सके, क्योंकि कर्मचारी शहर भर की सफाई करते हैं तो उनकी दिक्कत परेशानियों को भी सुनकर समाधान अवश्य निकाल लेना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।